सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हर रोज की तरह उम्मीद है कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी सेहत भी बहुत बढ़िया होगी। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो है भाई आज के मोटिवेशन के साथ। और जो जो स्टूडेंट आ रहे हैं जी सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर देवाशीष ने कुछ लिखा है, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र जी होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सूरज, देवाशीष, शिखा, मिताली और धर्मा, हाँ जी धर्मा ठाकुर जो है गुड इवनिंग जी। और सपना, निकिता, कृष्णा, हिमाचली, शिवानी भाटिया, शीतल, भारती कश्यप, बहुत ही बढ़िया। तो शुरू करेंगे आज का सेशन दोस्तों। मोटिवेशन है कि सक्सेस जो है भाई अगर देखें तो भाई कुछ भी नहीं क्या है भाई, क्यों इतना आसान जो है। इस विचारक ने कहा है, उसने कहा है कि भाई इट इज नथिंग मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे। हाँ, रोज जो है आपको कंसिस्टेंट होकर कुछ प्रैक्टिस करनी है भाई। कल हम जब छोटे होते तो कई सारे सीरियल्स आते थे तो देखते थे बहुत सारे जो देवता और राक्षस, पांच 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 साल, पचास पचास साल लगातार जो है वो मेहनत करते थे, वो तपस्या करते थे और फिर उन्हें वर मिल जाता था। दोस्तों आज के संदर्भ में देखिए वही है कि हम दो चार साल तपस्या करें और फिर वो वर क्या है, हम ऑफिसर बन जाते हैं, हमें जो है वो कुर्सी मिल जाती है जिस पर बैठकर हम समाज के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर दोस्तों शुरू करेंगे आज का सेशन। और सबसे पहले जो है आज की जो खबर है वो है होली की, हिमाचल की होली की। और हिमाचल की होली दोस्तों जो है कहाँ की सबसे मशहूर है आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं कांगड़ा के नूरपुर की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई जो पीडीएफ है मैं पिछले तीन चार दिनों की अभी कुछ ही मिनटों में आपके टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल भी जो है आप फिक्र ना करें। तो दोस्तों जो है यहां पर मैं फिर रिपीट कर दूं, बहुत जल्दी जो है रिपीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, होली वाज सेलिब्रेटेड विद ए रिलीजियस फेरवर एट द हिस्टोरिकल ब्रजराज स्वामी टेम्पल। और दोस्तों ये जो टेम्पल है कांगड़ा जिले के नूरपुर में जो है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। याद रखिए भगवान ब्रजराज स्वामी टेम्पल इसे बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बड़े स्तर पर लोग आकर, आसपास के जो लोग हैं, इवन बहुत सारे लोग हिमाचल से बाहर से भी आके जो लोग यहाँ पर जो है गुलाल या कह लीजिए होली खेलते हैं। होली दोस्तों जो है यहाँ पर इसका एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। नूरपुर फॉर्मली नोन एज धमेरी, इसे किसी समय पर धमेरी बोलते थे और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा फोर्ट भी है जिसको राजा वासुदेव ने जो बनाया था, जो कि पठानकोट का जो पठानिया क्लेन थी, तो पठान हालांकि आज तो पठानकोट दोस्तों पंजाब में है, लेकिन जो पठानकोट जो है उस टाइम हिली एरिया ही था, अब भी हिली एरिया है, तो वहां का राजा था राजा वासुदेव। तो उसने इस किले का निर्माण है 16वीं शताब्दी में करवाया था और उसी के आसपास ये मंदिर है और वहां पर बड़े स्तर पर ये होली खेली जाती है। यहाँ पर भाई सुजानपुर की हम बात करें, सुजानपुर थिरा की, वहां पर भी ऑब्वियसली बात है होली बड़े स्तर पर आयोजित की जाती है। वैसे तो होली सभी जगह, लेकिन अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आज जो हमने बात की वो नूरपुर के जो है ब्रजराज स्वामी टेम्पल की होली की बात की है। फिर उसके बाद जो है मैं भाई तीन चार बार बोल चुका हूं, पीडीएफ जो है आज आपको पिछले तीन चार दिन की, जितने भी दिन की आपको नहीं मिली, सारी की सारी कुछ ही समय में आपको जो है टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी। फिर दूसरी जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के एक प्रोग्राम से, जिसमें कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को जो है टैकल करने के लिए, उनका असर भाई एनवायरमेंट पर कम हो सके उसको करने के लिए एक प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है सबसे पहले देख ले, इसका नाम है दोस्तों GGGMI मतलब ट्रिपल GMI का मतलब है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको दोबारा से देखते हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों कौन कौन सी, जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है भाई, जो कि दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों जो 66% तक कारण इन तीन गैसेस को जो है माना जाता है। तो इनके अफेक्ट को कैसे कम किया जा सके, इस पर्पस से है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों अब ये मॉनिटरिंग कहां से होगी, अभी फिर मैं पढ़ना चाहूंगा, इट विल इंटीग्रेट दोस्तों स्पेस बेस्ड भी और सरफेस बेस्ड, मतलब यहां पर धरती पर भी और जो है स्पेस पर भी ऑब्जर्विंग कई सारे सिस्टम लगाए जाएंगे, जो कि भाई इस गैस के असर को जो है
वो जो है पहले आंकलन होगा, और फिर जहां जहां पर हमें लगता है कि इसके असर का ग्लोबल वार्मिंग पर असर हो रहा है तो वहां पर उसे कम करने के प्रयत्न जो हैं वो किए जाएंगे। इसको नाम दिया है GGGMI का, और इट प्रोवाइड बेटर वेज ऑफ मीटिंग प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन एंड हेल्प इनफॉर्म पॉलिसी चॉइसेस। और ये पॉलिसी चेंजेस दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होंगे। अब जैसे कि हम कई सारे प्रोटोकॉल्स की, बहुत सारी जो है ट्रीटीज की बात करते हैं, तो जब भी इसकी ऑब्जर्वेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आंकलन आने शुरू हो जाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी कंट्रीज को दोस्तों कुछ ऐसी ट्रीटीज जो है करनी होंगी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को, कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनके इफेक्ट को कम किया जा सके। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दोस्तों ये किसने, ये जो प्रोग्राम है, ये जो इनिशिएटिव है शुरू किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसने इसकी शुरुआत जो है की है। साथ ही साथ बता दूं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो मौसम के संबंध में काम करता है, रिसर्च करता है दोस्तों दुनिया भर में, इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट डे है वो 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। भारत में भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसे हम IMD बोल देते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल देते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर ऑलरेडी बता दिया शीतल, वो जो है कहां पर है, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी जो न्यूज है वो जुड़ी है H3N2 से। भाई यहां पर जो है एक ये तस्वीर देख लीजिए, और इस तस्वीर को देखने के बाद जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, आमतौर पर हमारे घरों में जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी हो रही है, अब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता भारत में जो है गर्मी आ रही है, सर्दी खत्म हो रही है, तो भाई लोगों को खांसी जुखाम जो है आमतौर पे जो है हो जाया करता है, और भाई इसे हम जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर में ही पड़ी टैबलेट से अपना इलाज शुरू कर देते हैं, या फिर जो है अपने आस पड़ोस से कोई मेडिकल स्टोर है उससे दवाई लेकर जो है अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो अब ऐसा जो है, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को खांसी जुकाम है और वो लगातार कई दिनों तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, और उसके शरीर में जो है दर्द है, बॉडी पेन है, तो भाई इनको जो आप हल्के में ना लें, क्योंकि वो जो बीमारी है वो H3N2 भी हो सकती है। एक थोड़ी थोड़ी बुरी खबर भी मैं बताऊंगा, अभी 1.5 घंटे पहले ही दोस्तों एक आंकड़े आए थे जिसमें बताया गया कि भारत में H3N2 नाम का ये जो वायरस है, इसकी वजह से पहली जो है मृत्यु वो हो चुकी है। नो दिस स्ट्रेन दैट कॉज्ड 2 पेंडेमिक एंड इज नाउ एट आउटब्रेक इन इंडिया। तो भाई ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में कई सारे कंट्रीज में जो है इसकी वजह से कई बार कई सारी मृत्यु हुई है, भारत में ये पहली बार जो आया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अक्रॉस इंडिया। और भी दोस्तों ये भी जो है कोविड की तरह रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब आपको सांस में आपको जो है खांसी, आपको जो जुखाम, इसी तरह की जो समस्याएं हैं आपको देखने की मिलेंगी। और ये भारत में पहली बार दोस्तों इसके जो केसेस हैं वो दिसंबर जनवरी के आसपास हैं वो देखने को मिले हैं। और ICMR कंफर्म दैट इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 हैज बीन कॉजिंग दिस इलनेस। तो भाई ये जो है कंफर्म किया ICMR ने, ये सारे के सारे जो लक्षण है वो H3N2 के जो है हो सकते हैं। अब मैं थोड़े से यहां लिखे भी हैं वैसे, जैसे कफ है, रनिंग नोज है, कंजेस्टेड नोज है, आपका गला जो है पक रहा है, फिर दोस्तों आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको फीवर है, आपको भाई फैटीग है, मतलब आपका शरीर टूट रहा है, या फिर डायरिया है, वॉमिटिंग है, ब्रीथनेसनेस है, ये सभी तरह के जो लक्षण है वो H3N2 के हैं। और भाई आपको जो भाई डॉक्टर, अगर इस तरह के लक्षण हैं आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना खुद ही डॉक्टर हमें नहीं बनना चाहिए। और फिर भी भाई ICMR ने कहा है कि जल्दी से, क्योंकि इसका दोस्तों वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि किसी के साथ भी हाथ ना मिलाएं, नमस्कार ही करके चलें सभी को, और भाई साथ ही साथ अपने हाथ लगातार जो है वो दोस्तों साफ करें, और भाई वीरिंग ए मास्क को भी लगा के रखें। तो कोविड जैसा खतरा तो नहीं बताया अभी तक ICMR ने, लेकिन फिर भी इसको जो है हमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस पर्पस से जो ये सभी हिदायतें जो है हमारी ICMR ऑलरेडी दे चुकी है जी। और दोस्तों ये जो वायरस है, इट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसको इस वजह से जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से भी लोग जानते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है H3N2 दोस्तों, ये वायरस के सिम्टम्स, इसकी जो प्रिकॉशंस, या फिर इसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी बोलते हैं, और भाई भारत में पहली बार और दुनिया में कई सारी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, भाई 2 पेंडेमिक्स इसकी वजह से अलग अलग देशों में आ चुकी हैं, ये सारे ही प्रश्न इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण हैं।
भारतीय कश्यप लिख रही है कि स्क्रब टाइफस के ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन इज ऑल्सो एडवाइज रिसेंटली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो म्यूजिकल फील H3N2, भाई आपने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा है। अभी फिलहाल मेरे पास भी फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई फुल फॉर्म है तो डेफिनेटली मैं आपको कल जरूर बताऊंगा। लेकिन शुक्रिया। और भाई आप जो है इस तरह की जब प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि पूरे दिमाग से दिल से बैठे हुए हैं, और भाई इससे जो है और ज्यादा जो है तैयारी करके आने की जो है मुझे प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बढ़िया, म्यूजिकल फील नाम के स्टूडेंट ने पूछा है। फिर उसके बाद जो है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो है इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी लिखा है कि भाई लगातार पानी पीते रहें जो है बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन की समस्या इस D3N2 में हो जाती है दोस्तों, आपको वैक्सीनेशन करने। और यहाँ पर जो है एक लास्ट में बता दूं आपको, ये दोस्तों ये जो इन्फ्लुएंजा है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो भाई आमतौर पे दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा चार तरह के ABCD, लेकिन ये जो ए एंड बी वायरसेस हैं दोस्तों ये सीजनल एपिडेमिक्स हैं। और जो इन्फ्लुएंजा ए है ये जो है भाई जो है ये कोज फ्लू पेंडेमिक्स, मतलब ये जो फ्लू है फीवर जो है इसकी वजह से ज्यादा फैलता है। तो अलग अलग ये जो ABCD है, अलग अलग जो इन्फ्लुएंजा है उनके अलग अलग असर हैं, अलग अलग जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़ा हुआ। अब इसको लेकर हमने पहले भी कई बार न्यूज पढ़ी है। अब वो न्यूज दोस्तों जो है अक्सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के रिगार्डिंग है। अब ये न्यूज क्या है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये एक्सप्रेस बोल रहे हैं प्रोटेक्शन। अब ये किससे प्रोटेक्शन दोस्तों? ये प्रोटेक्शन है बिजली की तारों से, वायर से। पूरा पढ़ते हैं CEA। अब CEA क्या है दोस्तों? CEA का फुल फॉर्म देख लें, दैट इज हाँ जी CEA। हाँ जी भाई, ये बोलते बोलते भाई यही जो है हमारा रिमोट है वही जो है चुप जो है काम करना बंद कर गया दोस्तों। वैसे CEA इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। भाई हम जो है जो एक दिन पहले भी किया था एक बार फिर कर लेते हैं वही काम। हमने क्या करना है, इसका जो रिमोट है वो, इसका जो सेल है वो निकालेंगे, थोड़ी इसकी रबिंग करेंगे, लेट्स सी। उसके बाद रबिंग करने के बाद फिर जो है जैसे नोकिया का जो मोबाइल था किसी समय पर दोस्तों, बैटरी निकाल के उसको दोबारा लगा देते थे। हाँ जी बिल्कुल, CEA दैट इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो भाई उसको कहा गया है रेगुलेशंस वायलेट सुप्रीम कोर्ट रूल्स पोस्ट थ्रेट टू इंडेंजर्ड स्पीशीज पिटीशंस। तो मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने पहली बार ये न्यूज पढ़ी है उन सभी को बता दूं न्यूज क्या है। तो ये जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है दोस्तों, इसकी जो जनसंख्या है वैसे तो बड़ी बड़ी कम रह चुकी है, लेकिन खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ये हैं। और पिछले कुछ दशकों में ऐसी बहुत सारी न्यूज आई हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की सही तरीके से दोस्तों वहां पर इंस्टॉलेशन ना होने की वजह से तो उनमें बिजली की तारों में जो है फंसकर इनकी बड़े स्तर पर मृत्यु हुई है। और इसको लेकर भाई कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है सरकारों को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, कि भाई आप उनकी सही से व्यवस्था कीजिए, नहीं तो कोई बड़ा कदम जो है सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। थोड़ा पढ़ते हैं ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। भाई सबसे पहले तो आपको जो है एक बात तो बड़ी क्लियर है दोस्तों, जब भी हम कोई एनवायरमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है दोस्तों, वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और ये साइट्स की अपेंडिंग्स 1 में इंक्लूडेड है, और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एक जानवर है। अब जो दोस्तों ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है, और हिमाचल प्रदेश का क्या कोई नेशनल बर्ड है, स्टेट बर्ड है कोई, जल्दी से बताएं। और दोस्तों ये मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इसकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ राजस्थान गुजरात तक ही लिमिटेड है, और थोड़ी बहुत पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो भाई यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि भाई इन्होंने कहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो है ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है इशू की है ताकि मैंडेटरी ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है दोस्तों उनको अंडरग्राउंड किया जा सके। अंडरग्राउंड होगा तो भाई इनकी जो मृत्यु हो रही है लगातार उसको रोका जा सकता है। और ऑन द इशू ऑफ थ्रेट टू इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द डायवर्टर्स आर एम्ड। अब इन्होंने कहा है कि खास तौर पे भाई जब तक आप अंडरग्राउंड पूरी तरह से वायरिंग नहीं कर पाते तो जहां जहां पर ये इस तरह की वायरिंग है, जहां पर
जो है भाई लगकर करंट आ सकता है, मृत्यु हो सकती है, आपको कुछ डायवर्टर्स जो है लगाने पड़ेंगे जिनको देखकर भाई इनके निशान बड़े बड़े होंगे, जिनको देखकर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो अपनी डायरेक्शन बदल लें और उस तरफ जो है वो ना जा पाए। तो ये सख्त हिदायतें हैं और ताकि इस जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जा सके। भाई भारत जो है काफी सारे इन्वायरमेंट के जो जो मुद्दों पर जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। कल भी हमने पढ़ा था दोस्तों IBCA नामक जो एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है भारत द्वारा, जिसमें कि जो दुनिया की दोस्तों बिग कैट्स हैं उनकी 7 की 7 स्पीसीज, चाहे वो लुआइन हो, टाइगर हो, स्नो लेपर्ड हो, जो है चीताज हो, हमारे जो जैक्वार हो, प्यूमा हो, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से $100 मिलियन जो है वो जुटाया जाएगा। और कल IBCA का जिक्र आई होप सो सबको जरूर याद होगा। तो भाई अब ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने बात की है और भाई पीकॉक जो है भारत का जो है वो जो है भाई राष्ट्रीय पक्षी है और ये राजस्थान का जो है स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जी। फिर उसके बाद जो है अगली जो न्यूज है दोस्तों वे भी बड़ी महत्वपूर्ण है जी, इसरो से जुड़ी न्यूज है। इसरो सक्सेसफुली कैरीज आउट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट ऑफ एज सैटेलाइट। दोस्तों एक सैटेलाइट है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका मैं नाम भी आपको बता देता हूं, इसका जो नाम है दैट इज Megatropics 1 MT-1 सैटेलाइट, MT-1 या फिर Megatropics 1 सैटेलाइट बोल देते हैं। और ये दोस्तों जो है भारत और फ्रांस का जो है ज्वाइंट एक सैटेलाइट है जिसको 2011 में अक्टूबर में जो है लॉन्च किया गया था फॉर कैरिंग आउट ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडी, ताकि जो है कई सारे मौसम संबंधी जानकारियां जो है प्राप्त की जा सके। अब ये चर्चा में क्यों है, अब 2011 में जो है दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था और बड़ी कमाल की बात थी कि जब इसे लॉन्च किया गया, आप इसकी तस्वीर भी देख लीजिए MT-1 की, कि इसको सिर्फ 3 वर्ष के लिए जो है इसकी लाइफ जो है आंकी गई थी, लेकिन 2011 के बाद अभी आप देख लीजिए 13 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक बेहतरीन तरीके से इसने सारी इंफॉर्मेशन ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कई सारी वेदर इंफॉर्मेशन हैं वो भारत और फ्रांस को प्रोवाइड की हैं। अब भारत चाहता है, हमारी जो स्पेस एजेंसी चाहती है कि हम इसे सक्सेसफुली दोस्तों जो है डिस्ट्रॉय कर दें। अब डिस्ट्रॉय करने का पर्पज ये है क्योंकि अब इसकी लाइफ तो पूरी हो ही चुकी है, लेकिन अगर ये अपने आप किसी भी और तकनीकी कारण से डिस्ट्रॉय होता है तो उससे आसमान में स्पेस में दोस्तों कई सारा जो हम बोलते हैं कचरा फैल सकता है, जिसकी वजह से भाई बहुत सारी समस्याएं और सैटेलाइट्स को हो सकती हैं और धरती पर भी इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई यहां पर ये जो मतलब है कैरीज आउट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पेस से लाया जाएगा और भाई इसको कुछ जो है इस तरह की गैसेस जो है वो यहां पर इसको जो है मतलब कुछ इस तरह की गैसेस इसके अंदर जो है वो छोड़ दी जाएंगी, जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो है आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका नाम याद रखें, इसरो ने जो है और भाई फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है मिलकर इसे 2011 में लॉन्च किया था, पर्पज आपको मैं बता ही चुका हूं और नाम जो है इसका MT-1 मतलब Megatropics 1 सैटेलाइट इसको नाम जो है वो दिया गया है। फिर अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों जुड़ा है वो है केरला से जुड़ा हुआ और केरला में तिरुवनंतपुरम में भाई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है अतुकल पोंगाला और ये अतुकल पोंगाला दोस्तों जो है ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि दुनिया में महिलाओं से जुड़ा हुआ इससे बड़ा फेस्टिवल कहीं है ही नहीं। लगभग लाखों की जो है संख्या में 15 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जो है इस दिन दोस्तों जो है तिरुवनंतपुरम में जुड़ती हैं और इसे एक तरह से सबरीमाला ऑफ वुमेन भी बोलते हैं। आपको याद होगा सबरीमाला ऑफ वुमेन का मतलब क्या, दोस्तों केरला में एक मंदिर है सबरीमाला और वहां पर जो है काफी विवाद था 2-3 साल पहले, क्योंकि वहां पर ऐसी मान्यता है कि वहां पर सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं, लड़कियों का जाना वहां पर जो है वो मान्यता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो है कई सारी महिलाएं वहां गई थी, उनको प्रोटेक्ट किया पुलिस ने। तो भाई ये सबरीमाला ऑफ वुमेन का मतलब है यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स की ही एंट्री है और जो है भाई यहाँ पर पुरुषों ने कहीं कुछ विवाद भी नहीं किया कि हम भी जाएंगे, हम भी जाना चाहेंगे, ऐसा कोई बात भी इन्होंने नहीं कही है। तो ये ध्यान रखें केरला में है दोस्तों। और भाई यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि भाई दोस्तों ये जो है लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग इन द वर्ल्ड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है मैंने, यहां पर नीचे होना चाहिए दोस्तों 2.5 मिलियन पीपल टुक पार्ट इन, तो लगभग 25 लाख से जो ज्यादा जो लोग हैं दोस्तों 2009 में जो है यहां पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था, जब इस मंदिर में दोस्तों जो है इस महोत्सव में
25 लाख से ज्यादा जो महिलाओं ने हिस्सा लिया था। आमतौर पे इस बार जो है मतलब एवरेज 15 लाख वुमेन्स हर साल इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इस दिन दोस्तों पोंगाला नाम का एक स्वीट है, एक मिठाई है। अब ये पोंगाला है क्या, स्वीट डेलिशियस मेड ऑफ राइस, एक मीठी मतलब कह लीजिए दोस्तों एक मिठाई है जो राइस से बनी होती है। और उस दिन दोस्तों ये अतकुल भगवती टेंपल में जो है उसको जो है उसका प्रसाद लगवाते हैं। मैं मंदिर का नाम एक बार फिर रिपीट कर दूं, डाइटी ऑफ द अतकुल भगवती टेंपल, जो कि केरला की कैपिटल थिरुवनंतपुरम में है। तो बड़े स्तर पर इसे जो है वहां पर दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का जो है ये फेस्टिवल है। यहाँ पर 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की जो है एंट्री थी। और आई एम कायल ऑफ कायल्स इन केरला, यहाँ पर गोल्डी भी कुछ लिख रहे हैं, वुमेन बैन थी पहले। हाँ जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो महिलाएं लोकल्स हैं वो नहीं जाती, क्योंकि मान्यताएं हैं दोस्तों जो है वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं, वो हमारी किताबों में आए या ना आए। जी फिर चलते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों स्वामी स्कीम से जुड़ा हुआ, व्हाट इज स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट इज अफोर्डेबल हाउसिंग पुश। तो सबसे पहले तो स्वामी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारी भारत की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जिसमें कि भाई जो गरीब परिवारों को जो है वो घर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंदिरा आवास योजना है, वैसे अब तो खत्म हो चुकी है दोस्तों, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, अब इनको मर्ज करके प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया है। तो इसमें कई सारे गरीब फैमिलीज को घर दिए जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो स्कीम है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं है, ये जो स्कीम है स्वामी कि भाई जो हमारे भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनको जो है यहां पर नाम देखिए अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, तो उनको जो है भाई सही रेट पर या सस्ते रेट्स के ऊपर जो है वो घर प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। नाम जो है इसका स्वामी स्कीम है। और इन 3 ईयर्स, अब इसमें आंकड़े ये बोल रहे हैं दोस्तों, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक इस स्कीम के तहत लगभग 20,500 लोगों को घर दिया जा चुका है और 81,000 लोगों को अगले 3 वर्ष तक जो है वो हम घर प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट बोल रही है। और दोस्तों इट इज ए सोशल इंपैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीशन स्ट्रेस एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। अब देखो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर फूलेंगे फलेंगे और ज्यादा जो है वो बनेंगे, इसका सीधा जो बेनिफिट जो है गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे कई सारे जो कोर सेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भाई खासतौर पर जो है यहाँ पर हम नाम लेना चाहूंगा मैं, रियल स्टेट सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग ए बूस्ट टू कोर इंडस्ट्री, जैसे कि सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री, उनको बड़े स्तर पर बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कही जाती हैं दोस्तों, तो कोर इंडस्ट्री का मकसद ये है कि भाई कोर इंडस्ट्रीज अगर बूम होंगी तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट समाज के हर वर्ग को होने वाला है। तो ये जो सीमेंट और स्टील ऑब्वियसली बात है यूज होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस वजह से जो है भाई इस स्कीम की जो है 2019 में जो है लॉन्च किया गया था। थोड़ा और देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मैनेज्ड बाय एसबी कैप वेंचर लिमिटेड। तो भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, और ये लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म फॉर द कंप्लीटेड स्ट्रेस एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है भाई यही है कि भाई ये रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी जो है भाई इसको जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो बनाएगी, तो वो प्रोजेक्ट्स हैं रेरा अप्रूव्ड हो, वहां पर जो है एनवायरमेंट का पूरी तरह से ख्याल रखा हो, और दे मस्ट फॉल अंडर द अफोर्डेबल एंड मिड इनकम प्रोजेक्ट्स एंड डू नॉट एक्सीड 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर से बड़ा कोई भी जो है घर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, और जिन कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, कोई सरकार खुद तो दोस्तों कोई मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है, तो वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं किसी आगे कंपनी को जो है थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है, लेकिन अपनी कंडीशंस जो है वो फुलफिल जो है वो दे देती है। अब इसमें जो है भाई जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं मिडिल इनकम के या फिर ईडब्ल्यूएस के, वही लोग जो है ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और उनको ही ये अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर घर मिल जाते हैं। ऐसे कई सारे घर मैंने ऑलरेडी चंडीगढ़ में या कई सारे शहरों में देखे हैं दोस्तों। और ये स्कीम जो है ऐसा नहीं है 2019 में, इससे पहले भी कई और नामों से जो है वो चला करती थी, लेकिन इसमें एक जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, हालांकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों बता दूं इनमें कभी भी रजिस्ट्रीज नहीं होती हैं। आमतौर पर जब हम कोई जमीन खरीदते हैं या घर खरीदते हैं फ्लैट,
दोस्तों इसमें लीज पर दिए जाते हैं ज्यादातर इन तरह की स्कीम्स के तहत, 99 ईयर्स लीज या फिर 200 साल लीज, तो लीज के ऊपर ये प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और यहां पर शिवानी भाटिया ने हमारे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके नाम भी लिख दिए हैं, कोयला है, क्रूड कच्चा तेल है, फिर सीमेंट है, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। बहुत ही बढ़िया। और मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों को, ये जो 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज, इस तरह से प्रश्न आ जाता है, तो इन 8 को याद भी जरूर कर लें। और ये म्यूजिकल फील्ड, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि ये पूरी तरह केंद्र सरकार जो है इसमें पैसा जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और यहां पर जो है रेरा अप्रूव्ड घर ही हिमाचल में दूसरे राज्यों के लोग खरीद सकते हैं। हाँ जी देवाशीष, जो है जहां तक जो है मुझे आइडिया है, हिमाचल में सिर्फ फ्लैट्स खरीद सकते हैं, बाहर के जो लोग हैं जो है जमीन नहीं खरीद सकते। तो जो है जो घर और ऑलरेडी मोस्टली आजकल सारे प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड होते ही है। हाँ जी, फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे जो हमारे अगले जो है क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है भारतीय परंपराओं के हिसाब से देखें तो वो जुड़ा है होली से, और वेस्ट में इसे वॉर्म मून भी बोल देते हैं। वॉर्म मून टू लाइट अप द स्काई टुनाइट, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर टू वॉच। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं ये वॉर्म मून है क्या। भाई दोस्तों ऐसा कहा जाता है ज्योग्राफी में कि भाई जिस दिन ये वॉर्म मून की तारीखें तय की जाती है, जैसे कि अभी की गई थी 7 और 8 मार्च, मतलब उसके बाद जो है वो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है वो सर्दी पूरी तरह खत्म हो जाती है और गर्मी आनी शुरू हो जाती है, इसे वॉर्म मून बोलते हैं। हम भारत के संदर्भ में दोस्तों यही सारी चीजें होली के संदर्भ में बोल देते हैं। यहां पर मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, इंडिया होली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द वॉर्म मून, भाई जो कि हमारी जो है फागुन की पूर्णिमा को जो है वो खेली जाती है। तो हम जो है बोलते हैं होली। अब अलग अलग धर्मों में इसका अलग अलग जो है वो दोस्तों जो है इसकी मान्यता है। जैसे जो ज्यूस हैं सेलिब्रेटेड द पूर्णिमा फेस्टिवल ड्यूरिंग द वॉर्म मून पीरियड, ये पूरी नाम का एक फेस्टिवल जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट हैं दोस्तों लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और थाईलैंड में, वो इस दिन माघ पूजा करते हैं वॉर्म मून वाले दिन। और दोस्तों जो इस दिन बड़े सारे उसके जो डिसाइपल्स इकट्ठे होते हैं, यूरोप में इसे लेंटन मून के नाम से भी जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार माफ कीजिए मैंने 7 और 8 बोला था, जो फाइनल फुल मून है दोस्तों, ये जो फुल मून जो है जिसको कि हम वॉर्म मून भी बोलते हैं, 6 और 7 मार्च को जो है ये देखा गया। इसका मतलब है कि भाई इस दिन जो है गर्मी, इसको एक लाइन में अगर व्यक्त करने की कोशिश करूं, भाई व्हेन विंटर सब्सिडाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो दोस्तों जो गर्मी है, गर्मी जो है आनी शुरू हो जाती है, और या फिर कह लीजिए ठंड का असर होना कम शुरू हो जाता है, एंड लीडिंग टू अर्थवॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो धरती के अंदर छुपे हुए थे सर्दी के कारण, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड द सॉइल सॉफ्टन्स, और जिसकी वजह से जब वो बाहर आते हैं धरती जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, और भाई धरती सॉफ्ट होती है तो हरियाली आनी शुरू होती है, भाई जो बहार आनी शुरू होती है, और भाई हम जो देखते हैं कि भाई जो बहारें हैं दोस्तों, जो अब जिसे हम बसंत भी बोल देते हैं, तो वो मौसम आना जो है शुरू हो जाता है वॉर्म मून के बाद। और इसको याद रखें सैप मून भी कहा जाता है, वॉर्म मून इज ऑल्सो नोन एज सैप मून। भारत में होली या फिर जो है ज्यूस इसे पुरिम बोलते हैं, या फिर जो बुद्धिस्ट हैं वो इसे माघ पूजा बोलते हैं। तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यता है, ये हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों जुड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भाई आप में से कितने जो लोग हैं वो शराब पीते हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ ना आप सोच रहे होंगे, तो आप बताइए ना बताइए, लेकिन शायद आपने नाम सुना होगा जैक डेनियल का। दोस्तों जो जैक डेनियल है दुनिया की सबसे बड़ी विस्की कंपनीज में से एक है, और भाई अभी ये चर्चा में क्यों है, अभी न्यूज पढ़ते हैं। जैक डेनियल ऑर्डर टू स्टॉप बिल्डिंग न्यू बैरल हाउस अमिड कॉन्ट्रोवर्सी ओवर आउट ऑफ कंट्रोल विस्की फंगस। भाई अमेरिका में दोस्तों वहां पर नॉर्थ कैरोलिन में जो है इसका एक बहुत बड़ा जो है एक बैरल हाउस जो है इसका, जहां पर जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बन रहा था, और वहां पर दोस्तों कुछ लोग भी रहते थे, उन्होंने देखा कि भाई ये खास तरह की फंगस जिसका नाम बाद में पता लगा विस्की फंगस है, विस्की की प्रोडक्शन की वजह से ये फंगस लग रही है, और जिसका कि वहां के घरों को, वहां के पेड़ पौधों को, एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जो है उन्होंने इस पे आपत्ति जाहिर की, और भाई ये बहुत बड़ा जो है मैं बता दूं बैरल हाउस था, बहुत बड़े स्तर पर यहां प्रोडक्शन हो रही थी, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हमें जो है किसी कंपनी से हमें लेना देना नहीं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो इसको बंद करने के ऑर्डर जो है वो साफ तौर पर दे दिए गए हैं। तो ए लोकल कोर्ट इन नॉर्थ कैरोलिना
स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बैरल फॉर जैक डैनियल बिगेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ अमेरिकन विस्की इन द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ा जो है विस्की ब्रांड है और उसको जो है बोल दिया। दोस्तों ये जो विस्की फंगस है इसकी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, कुछ इस तरह से ये दिखता है ब्लैक कलर में दोस्तों जो है, मतलब हालांकि कई सारे फंगस वो ग्रीन होते हैं रेड होते हैं, ये ब्लैक कलर में है। और जैसे कि मैं बता रहा था भाई, इट टेंड्स टू कवर आउटडोर सरफेस, जैसे कार घर उनको जो है पेड़ सभी कुछ ढकना पड़ रहा था और बाद में ये लोग कोर्ट गए और वहां पर जो है ये प्रतिबंध इस पर लग गया। विस्की फंगस को है याद रखें बाउडिना, काफी मुश्किल सा नाम है, कंपनी शेनिस भी बोलते हैं। विस्की फंगस इज आल्सो नोन एज बाउडिनिया कंपनिया शेनिस एंड इज ए ब्लैक सूटी फंगस दैट ग्रोज इन द बेकरीज एंड द डिस्टिलरी अराउंड द ग्लोब। तो भाई विस्की फंगस नाम है, नॉर्थ कैरोलिना की खबर है, अमेरिका की खबर है। फिर उसके बाद जो है भाई ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है लुधियाना में जन्मी एक लड़की की है, पंजाब का एक शहर लुधियाना आपको पता है, शैलजा धमी। और ये भारत की दोस्तों एयरफोर्स में पहली कमांड फ्रंटलाइन ऑफिसर जो है वह महिला जो है वो बनी है। तो बड़े गर्व की बात है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की दिन जो है ये खबर आई थी दोस्तों। फिर उसके बाद ब्रिटिश आर्किटेक्चर डेविड चिपरफील्ड ने दोस्तों इसका साल का जो प्रिटजर जो प्राइज है वो जो है उन्हें मिला है। यहाँ पर जो है जल्दी से मैं ये भी बता दूं आपको, भारत के एक बड़े ही फेमस आर्किटेक्चर थे जिनकी रिसेंटली 25 तारीख को शायद 26 को मृत्यु हुई थी, उन्हें इस बार पद्म मुझे लगता है विभूषण अवार्ड दिया गया था। लास्ट ईयर उनको दोस्तों ये प्रिटजर प्राइज उनको मिला था। अगर आप जल्दी से उनका जो है नाम बता दें तो भाई क्या बात हो जाएगी। और ये आर्किटेक्चर है दोस्तों सर डेविड एलन चिपरफील्ड और इनको 2023 के लिए अवार्ड जो है मिला हुआ है। और भाई जल्दी से जो है लास्ट ईयर के विनर या कह लीजिए इस साल के पद्म विभूषण जिनका नाम था बालकृष्ण दोषी, विक्रांत कपूर ने सबसे पहले बताया है दोस्तों उनको मिला है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों नो स्मोकिंग डे पूरी दुनिया भर में जो है सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार ये सेकंड वेडनेसडे 8 मार्च को था और इसका जो थीम है वो है स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव योर ब्रेन हेल्थ। और भाई ये ब्रेन हेल्थ को जो है आपके इंप्रूव करती है अगर आप स्मोकिंग जो है छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सारी की सारी जो न्यूज थी हमारी, उम्मीद करता हूं सारी ही न्यूज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो यहां पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही सेकेंड्स में हम जो है हमारे इस लेक्चर को जो है MCQs की तरफ है लेकर चलेंगे। तो भाई यहां पर जो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बढ़िया, देवाशीष काफी कुछ बड़ा लिख रहे हैं और भाई जो है हनी राजपूत, तहसील राहुल कौशल, हाँ जी, और निकिता समरिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं दोस्तों MCQs। पहला जो MCQs है बताएं नूरपुर को जो है पहले के टाइम पीरियड में क्या बोलते थे और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है, जहां पर बड़े ही जो है बड़े स्तर पर होली का जो महोत्सव है दोस्तों चलता है 2-3 दिन तक। ये धमेरी बोलते थे, धमेरी, ठुमरी या ठुमरी, और ये डिस्ट्रिक्ट हैं सोलन, कांगड़ा, कांगड़ा या सोलन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी है, धमेरी बोलते थे और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखें, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ध्यानपूर्वक सुने, GGMMI वाज रिसेंटली इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि स्टूडेंटों को पूछूं कि भाई एक एक पॉइंट बताओ मुझे, ये सही है या गलत है, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। फिर H3N2 वायरस है दोस्तों, ये टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस है जो, और इसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी बोलते हैं। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने गाइडलाइंस दी है इलेक्ट्रिसिटी लाइंस टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो यहां पर जो है पहला और दूसरा ठीक, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा या तीनों ही पॉइंट जो है दुरुस्त हैं, ठीक है। और यहां पर इसका जो उत्तर है दोस्तों डी, ऑल आर करेक्ट जी, हाँ जी। तो भाई यहां पर उत्तर तो भाई तीनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन भाई ये जो रिमोट का जो सेल है ये फिर धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं भाई, हम भी ऐसे करते थे जब मैं कॉलेज में था तो नोकिया का फोन हुआ करता था, कई बार वो बंद हो जाता तो भाई एक ही काम था, उसके बैटरी निकालो और दोबारा से उसे जो है डाल दो, वो ठीक हो जाती थी। ये भी ऐसे ही होएगा मेरे हिसाब से, ठीक हो जाना चाहिए अभी, हाँ जी ये, हाँ जी। इस बार तो भाई फिर भी नहीं हो रहा ये भाई, मुझे लगता है दूसरी बार बैटरी निकालनी पड़ेगी इसकी, हाँ जी। तो कई सारे फोन थे, एक बार फिर कोशिश करते हैं, कोशिश अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है, हाँ जी। तो इस बार जो है भाई लग नहीं रहा, चलिए दोस्तों जो है हम एक काम करते हैं, कोशिशों को जो है ना इस तरह से आंसर डी है,
हम जो है हाथ से काम चलाते हैं। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा जो है GGMI विल इंटीग्रेट स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। इसमें जो है स्पेस बेस्ड और जो है अर्थ सरफेस बेस्ड जो है सैटेलाइट होंगे। H3N2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्रोटीन स्ट्रेन्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो यहां पर आप बताएं दोस्तों जो है कौन सा जो पॉइंट है ठीक है, इसमें पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, सिर्फ तीसरा या डी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है तीनों ही ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका उत्तर। और हाँ जी, तो इसका जो उत्तर जो है भाई यहां पर हम देखें, हाँ जी इसका जो उत्तर है वो जो है वो थर्ड का आंसर ए है। ए का मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक। H3N2 की बात करें दोस्तों तो जो है ये 5 प्रोटीन नहीं 2 प्रोटीन स्ट्रेन्स ऑफ जो है इन्फ्लुएंजा है। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा, पहले मैं देख लूं यार मैं, हाँ जी ये चल भी पड़ा है ना, थोड़ा सा चल पड़ा, बार बार ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉज लॉन्च बाय ग्लोबल एटमोस्फियर वॉच प्रोग्राम और इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर द ओनली इन्फ्लुएंजा वायरस बाई विच नोन टू कोज फ्लू पेंडेमिक्स। इसको 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 जो है कलर भी ले लें, टू कोज जो है फ्लू पेंडेमिक्स एंड IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एक्सटेंट इन वाइल्ड। तो यहां पर बताएं करेक्ट, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा या सारे ही। और वेरी गुड त्रिकुश ठाकुर, यहां पर उत्तर देखते हैं ए, मतलब पहला और दूसरा ठीक है। यहां पर हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये दोस्तों एक्सटेंट इन वाइल्ड नहीं है, ये इंडेंजर्ड है तो उस वजह से। फिर उसके बाद जो है कंफ्यूजन है, हाँ जी देवाशीष किस में कंफ्यूजन है ये भी बता दें जल्दी से, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, उत्कल पोंगला ये जो सेलिब्रेशन है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और उत्कल टेंपल जो है इसको वुमेन्स का सबरीमाला भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सिर्फ वुमेन्स ही परफॉर्म करती है। पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक है, दोनों ही गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बी है, पहला गलत है क्योंकि ये केरला में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, केरला का कैपिटल जो है तिरुवंतपुरम वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर छठा क्वेश्चन, इसरो ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है दोस्तों री एंट्री एक्सपेरिमेंट, और किसके लिए, MT1 सैटेलाइट के लिए, और ये इंडो इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको 2011 में ऑब्जर्व किया गया। पहला ठीक, दूसरा ठीक या दोनों ही गलत। याद रखे MT1 सैटेलाइट मेगा ट्रॉपिक्स 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ पहला ठीक दूसरा गलत है, ये भारत और फ्रेंच का दोस्तों जो है ज्वाइंट जो है ये प्रोग्राम था। फिर सातवां क्वेश्चन, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड ये मैनेज करता है SBI कैप वेंचर लिमिटेड, और दोस्तों ये भारत का लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड है, स्पेशली जो है भाई स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के पर्पस के हिसाब से। तो यहां पर जो है इसका देखिए दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों मैनेज SBI कैप वेंचर लिमिटेड जरूर करता है, लेकिन इसको शुरू जो किया गया था हमारी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया था। फिर इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन, फर्स्ट फुल मून ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड वॉर्म मून, और इंडिया में जो है होली जो है दोस्तों वॉर्म मून के दिन जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो यहां पर जो है बी सिर्फ दूसरा ठीक है, पहला गलत। दोस्तों ये समर मतलब जो है पहला नहीं, जब सर्दियां खत्म होती हैं, गर्मियों की शुरुआत में नहीं, सर्दियों की समाप्ति के दौरान जो है भाई इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको वॉर्म मून बोलते हैं, कहीं कहीं इसको स्पैन मून भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नवा क्वेश्चन, विस्की फंगस जिसको बाउडीनिया कॉम्पिनिशस भी बोलते हैं, इट इज ए ब्लैक सूटी फंगस दैट ग्रोज, ये कहां पर ग्रोज होती है, आमतौर पर दोस्तों बड़ी बड़ी जो जो डिस्टिलरीज हैं जहां पर शराब बनती है और बेकरीज में, और ये जो फंगस है थ्राइव्स ऑन द अल्कोहलिक वेपर्स। तो आप बताएंगे यहां पर पहला ठीक, दूसरा ठीक या दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो है उत्तर जल्दी से दें आप, और बसंत के आगमन पर आप बोल सकते हैं, और इसमें दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। पहली वुमेन दोस्तों ऑफिसर कौन बनी है भारत की एयरफोर्स में, कमांड फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की जो है पहली ऑफिसर जो है शिवा चौहान, शैलिजा धामी, भावना कंठिया, नन अभव। इसका जो है सही जो उत्तर जो है जल्दी से दें, सही उत्तर जो है शैलिजा धामी इज द करेक्ट आंसर। फिर ग्यारहवां क्वेश्चन, डेविड एलन जो है उनको 2023 का दोस्तों प्रिटजर प्राइज दिया गया, और ये जो है लिटरेचर से जुड़ा हुआ हाईएस्ट ऑनर है। तो पहला ठीक, दूसरा ठीक है, दोनों ही गलत। इन व्यक्ति का नाम याद रखें डेविड एलन चिपरफील्ड, और ये प्रिटजर प्राइज जो है दोस्तों UK में दिया जाता है, और ये आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। तो पहला ठीक है, दूसरा जो है यहां पर गलत है जी। फिर नो स्मोकिंग डे जो कि दूसरे बुधवार
सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार वो 8 मार्च को था दोस्तों। इसका जो थीम था वो था स्टॉपिंग स्मोकिंग इंप्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा सारा सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखकर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।